नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बेहद ही शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। आपको बता दें कि मशहूर एक्टर और जूनियर एनटीआर के कजिन तारक रत्न चित्तूर को लेकर ये दुखद खबर सामने आई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक्टर के हार्ट अटैक की न्यूज ने फैंस को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। हार्ट अटैक पड़ने के बाद वो कोमा में थे और वहीं उन्होंने कुछ वक्त पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। ट्रिपल आर स्टार जूनियर एनटीआर के कजिन तारक रत्न चित्तूर में एक रैली के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर गए थे। इसके बाद उन्हें फौरन कुप्पम के एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा था। जब उनकी हालत में सुधार नहीं दिखा तो उन्हें बेहतर इलाज के लिए बैंगलोर के नारायण हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बैंगलोर के नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस में उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और वो कोमा में चले गए। तारक रत्न ने नारा लोकेश के साथ युवगल्म पदयात्रा में हिस्सा लिया था। पदयात्रा में टीडीपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पदयात्रा में जब तारक रत्न अचानक बेहोश होकर गिर गए तो वहां पर काफी ज्यादा सनसनी मच गई। उम्मीद थी कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बता दें कि एक्टर के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। कई सेलिब्रिटीज के साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। कुछ ही देर में तारक रत्न चित्तूर का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। नेक्स्ट नाइन लाइफ की ओर से तारक रत्न चित्तूर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।